Hello friends, welcome to my YouTube channel Rishabh the Creator. I am Rishabh Raj, a first year student from Bits Pilani. Okay, तो चलो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में. तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कि should you give bits at? अगर मैं अपनी बात करूं तो क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूं? ये रीजन ये है कि I was also not very aware of bits at. और मेरे को डाउट था कि बिट सेट देना चाहिए कि नहीं. यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि क्या जेई का तैयारी उतना अच्छा नहीं है क्या जो बिट सेट देने वालों, उनको भी उतना आइडिया नहीं था. बट फिर एक मेरा दोस्त था, उसको अच्छे से पता था बिट्स पिलाने के बारे में. उसने बोला यार बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, तुम जरूर इसका फॉर्म भरो और नहीं भरोगे तो गलती करो. फिर यार मेरे को भी लगा अभी इतना जोश से बोल रहा है. और फिर दो तीन बार उसने अर्ज किया तो मैंने भर दिया फॉर्म एंड लेटर मैं एग्जाम भी दिया और फिर मेरे ठीक ठाक अच्छे नंबर भी आ गए एंड आई एम राइट नाउ एट बिट्स पिलानी. इट वाज अ गुड डिसीजन. बट अगर मैं उस समय फॉर्म ही नहीं भरता तो ना मैं बिट्स दे पाता ना मैं बिट्स में हो पाता एंड मेरे पास थोड़ी चॉइसेस भी कम हो जाती. और साथ में मैंने बिट्स में आने के बाद बहुत लोगों से बात की जो रिग्रेट कर रहे थे, जो इस साल ड्रॉप ले रहे जस्ट इस वजह से क्योंकि उनकी मेंस वगैरह में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई और वो चाह रहे थे कि अगर शायद उनका बिट सेट देते वो तो शायद बिट सेट में उनकी थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती. अगर बात करते हैं कितने टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, तो यार तीन टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जनरली. एक वो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है जिसको मैक्सिमम चीज़ें आती हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे और उसको करीब करीब पता होता है कि उसका एक अच्छा रैंक आने ही वाला है. तो यार पहला तो वो स्टूडेंट होता है. और दूसरा स्टूडेंट जो एवरेज टाइप का स्टूडेंट होता है, मेरे टाइप का यू कैन से, जो कि डिसेंट रैंक लाता है जेई मेन जेई एडवांस में और जिसकी प्रिपरेशन के बारे में उसे बहुत अच्छे से नहीं पता होता है कि क्या मेरा सबसे स्कोरिंग टॉपिक है, क्या मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ऐसा उसको नहीं पता होता है. वो बस ठीक से तैयारी करते चलता है 2 साल तक. वो भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं होता है और 2 साल उन्होंने उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की रहती है, पर उनको भी एट लास्ट ये एम होता है उनका कि उनका भी कुछ अच्छा नंबर आए. तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट्स और लास्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो है कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उनको बिट सेट जरूर देना चाहिए क्योंकि यार चॉइस बढ़ जाती है. आप समझिए कि आपके पास ठीक है आपको एक आईआईटी मिल रहा है बट इन केस आपको कोई आपको सीएस ही चाहिए और किसी भी टॉप के आईआईटी में आपको सीएस नहीं मिल रहा है और बिट्स पिलाने में आपको सीएस मिल जा रहा है तो आप उसको प्रिफर कर सकते हैं आराम कि यार तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसेस हो. जिंदगी में चॉइसेस हो तो बहुत ही अच्छा होता है कि आप डिसाइड कर सकते हैं क्या मेरे लिए सही है, आप रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरफ मेरे को जाना है. उसके बाद अगर हम बात करें जिनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं, तो यार तुम लोग बहुत लोग मेरे से पूछते हो कि भैया मैं ड्रॉप लेने का सोच रहा हूँ. बहुत लोग बोलते हैं 4 महीना बाकी है क्या करें. ओके, तो तुम लोग के लिए मैं एक बात बता दूं कि मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ कि कैसे कम टाइम में ज़्यादा अच्छा नंबर आ सकता है. बट उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि बिट सेट तुम लोग को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से किसी का परफॉर्मेंस कैसा भी हो उसको मैक्सिमम एग्जाम्स देने चाहिए क्योंकि यार एग्ज़ाम में जो फील आता है, एक रियल एग्ज़ाम का जो फील है, वो तुमको कभी भी एक मॉक टेस्ट से नहीं मिल सकता है और उससे तुमको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पैटर्न एंड एवरीथिंग. तो यार बात करें तो बिट सेट तुम लोग को जरूर देना चाहिए, फॉर्म जरूर भरना चाहिए बिकॉज यार तुमको भी नहीं पता है कि तुम्हारा डे कौन सा है. बहुत बार ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है, पर कुछ भी मान के चलो तुम्हारा किस्मत उस दिन अच्छा हुआ और बिट सेट में वो सारे टॉपिक्स ज़्यादा आए या फिर जेई मेन में वो सारे टॉपिक्स ज़्यादा आए जो तुम्हारा थोड़ा कंट्रोल है. हो सकता है तुमने कम ही किया है पर उस दिन उसी का वेटेज ज़्यादा है. मान के चलो तुमने बायोमॉलिक्यूल्स नहीं किया है और सिर्फ पॉलीमर करके गया और क्वेश्चन 2 पॉलीमर से आगे बायोमॉलिक्यूल्स एक भी नहीं आया, तो तुम्हारा किस्मत अच्छा है. पर तुम अगर एग्जाम ही दे हुए दोगे तो उस किस्मत के अच्छा होने से क्या फायदा. आई गेस हर एग्जाम तुमको देना चाहिए और प्रिपरेशन करना ही चाहिए और कैसे करना है वो मैं एक और वीडियो उस पर निकालूंगा. तो लोग थोड़े डाउट में होते हैं कि बिट सेट उन्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा बिट सेट एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल एंट्रेंस एग्जाम है और बिट्स पिलाने एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल यूनिवर्सिटी है और यहाँ आके तुम्हें बहुत अच्छा ही लगेगा. तो अगर मैं बात करूँ जिनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि बिट सेट इज ईजियर देन जेई मेन. ओके, तो क्योंकि बिट सेट ईजियर है जेई मेन से, पर सिलेबस तो पूरा आता है. बट द थिंग इज दैट बिट सेट रिक्वायर्स मोर हार्डवर्क देन साउंड नॉलेज. ओके, मतलब इसमें भी नॉलेज आपको चाहिए बट इसमें अगर आपको टेक्निक्स पता है, कुछ शॉर्टकट्स पता है, आपको सारे फॉर्मूले याद हैं, यू नो कि कब कौन सी चीज़ लगानी है, जो चीज़ प्रैक्टिस से आएगी और जो अभी आप कर सकते हैं अच्छे से. ओके, आई वुडेंट से कि आप अभी से तैयारी करके 450 में 450 ला सकते हैं या फिर 400 ला सकते हैं, बट यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स फॉर श्योर अगर आपने कुछ भी 2 सालों में किया है तो. और इसमें आपको कोई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं आते इतने बड़े से कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया और उसको आपको बैठ के बनाना है, ऐसा नहीं होता यहाँ पे. और बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं होता है कि मल्टी करेक्ट है, पैसेज है वगैरह, इसमें नहीं होता. इसमें एक फिक्स पैटर्न है कि सारे MCQ क्वेश्चंस आते हैं, बट यू नीड द होल कवरेज ऑफ सिलेबस. ओके,
तो अगर हम बात करें एवरेज टाइप के स्टूडेंट्स की, जो कि मेरे टाइप के स्टूडेंट्स हैं, तो यार तुमको तो मैं बोलूंगा कि तुमको देना ही चाहिए, क्योंकि एवरेज टाइप के स्टूडेंट्स का क्या होता है, मेरे हिसाब से उनका थोड़ा वेरिएबल चलता है, कोई उनका प्रिपरेशन ठीक होता है पर हो सकता है कोई एग्जाम उनका उतना अच्छा ना जाए, हो सकता है उनका दिन उतना अच्छा ना हो, या फिर वो एग्जाम टाइप उनको सूट ना करे, या फिर वो सिलेबस वो क्वेश्चन ज्यादा आ जाए जो उन्होंने उतने अच्छे से तैयारी नहीं की है। एंड इन दैट केस कौन सा आपका परफेक्ट पेपर होगा आपको नहीं मालूम है, और क्योंकि इस बार चार जेई मेन होने वाले हैं, एक बिट सेट होगा, एक जेई एडवांस होगा, इन छह एग्जाम देने के बाद कोई ना कोई एक तो होगा जो जस्टिस देगा आपके नॉलेज को, आपके प्रिपरेशन को, तो मेरे हिसाब से आपको सारे एग्जाम्स जरूर देना चाहिए और बिट सेट भी जरूर देना चाहिए। सो दैट इज द थिंग, यू शुड गिव मैक्सिमम ऑफ द एग्जाम्स, सारे एग्जाम्स डब्ल्यू बी जेई वगैरह भी आपको देने चाहिए। मेन पॉइंट है कि लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहो, और जब भी तैयारी तुमने शुरू की है कोशिश करो कि लास्ट मोमेंट तक तैयारी को कंटिन्यू रखो और अपना मोरल गिरने मत दो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हार मत मानो। एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, बिना झिझक के फॉर्म भर दो और फोड़ दो, ओके? और कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा आईडी है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चन इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन, और किसी स्पेसिफिक वीडियो तुम लोगों को बिटसेट 2021 से रिलेटेड चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना, और यार वीडियो शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे, अपने दोस्तों को जरूर बता देना। बस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।